नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न कुंडली की सीरीज में आज मैं आपको विवाह से संबंधित प्रश्न कैसे देखा जाता है, कैसे उसका उत्तर निकाला जाता है बताता हूं। विवाह से संबंधित प्रश्न कुंडली में यदि लड़के वाले प्रश्न पूछ रहे हैं तो लगन से लड़के का और सप्तम भाव से लड़की का विचार किया जाता है, जीवन साथी का विचार किया जाता है। यदि लड़की वाले प्रश्न पूछ रहे हैं तो लगन से लड़की का व सातवें भाव से लड़के का विचार किया जाता है। विवाह से संबंधित प्रश्न में जल्दी विवाह के नियम इस प्रकार है। चंद्रमा उपचय भावों में यानी कि तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें भाव में हो या सातवें भाव में हो और गुरु से दृष्ट हो तो विवाह जल्दी होगा। चंद्रमा सेवंथ हाउस में हो या लग्नेश सेवंथ हाउस में हो तो थोड़े से प्रयास से विवाह हो जाएगा। चंद्रमा या लग्नेश का सातवें भाव के स्वामी के साथ संबंध हो और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बिना कोशिश के ही विवाह हो जाएगा। चंद्रमा और शुक्र एक साथ या अलग अलग लगन और सप्तम भाव में बैठे हों तो विवाह जल्दी होगा। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा और शुक्र बलि हों तो भी विवाह जल्दी हो जाएगा। शुक्र तीसरे, पांचवें, नौवें या ग्यारहवें भाव में हो और चंद्रमा की दृष्टि उस पर हो और किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो विवाह के लिए अच्छा माना जाता है। यदि गुरु शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो और चंद्रमा तीसरे, पांचवें, सातवें और ग्यारहवें भाव में हो और शुक्र ग्रह के साथ दृष्ट या युक्त हो तो विवाह शीघ्र होता है। लग्नेश व सप्तमेश का संबंध हो और चंद्रमा की किसी पर भी दृष्टि हो तो भी विवाह शीघ्र हो जाएगा। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और त्रिशदाय भावों में अशुभ ग्रह हो और सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों बलि हो तो विवाह के लिए बहुत शुभ फलदायक है। प्रश्न कुंडली के तीसरे, पांचवें, सातवें, दसवें और ग्यारहवें भाव में चंद्रमा हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो भी विवाह जल्दी होगा। स्त्री के विवाह के प्रश्न में 11th हाउस, 11वें भाव में गुरु का होना बहुत शुभ होता है, विवाह जल्दी हो जाएगा। पुरुष के विवाह के प्रश्न में सप्तम भाव में शुक्र का होना शुभ होता है। लग्नेश व चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो विवाह जल्दी होगा। लग्नेश और 12वें भाव का स्वामी, शय्य सुख का स्वामी, आपस में दोनों में राशि परिवर्तन होगा तो भी विवाह जल्दी होगा। लग्नेश और सप्तमेश के बीच में राशि परिवर्तन होगा तो भी विवाह जल्दी होगा। अब आपको विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले योग बताते हैं। चंद्रमा केंद्र में या अष्टम भाव में पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र का निर्बली होना या त्रिक भावों में होना विवाह में बाधा डालता है। धर्म त्रिकोण यानी कि पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव और मोक्ष त्रिकोण चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव में यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो विवाह में बाधा आती है। केंद्र में या अष्टम भाव में, केंद्र और अष्टम भाव दोनों में यदि पाप ग्रह हो तो भी विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। विवाह में सेकंड हाउस और 8वें भाव दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन दोनों में पाप प्रभाव हो तो विवाह में बाधा आती है। यदि अष्टमेश पाप ग्रहों के साथ हो तो पत्नी नहीं मिलेगी।
यदि चंद्रमा लगन में सम राशि में हो और पीड़ित भी हो तो प्रश्न पूछते समय चंद्रमा निर्बली है या बली है ये जरूर चेक करना चाहिए। चंद्रमा बली होगा तो विवाह होगा, चंद्रमा निर्बली होगा तो विवाह नहीं होगा। यदि प्रश्नकर्ता प्रश्न कुंडली में सिक्स हाउस में पाप ग्रह हो तो संबंधियों के झगड़े के कारण विवाह नहीं होता है। यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो और छठे भाव या आठवें भाव में विषम राशि में बैठा हो और पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह नहीं होगा। यदि निर्बली चंद्रमा पंचम भाव में हो तथा लगन बा शीघ्र सुख बारहवें भाव में पाप ग्रह हो तो विवाह नहीं होगा। यदि चंद्रमा और लग्नेश दोनों अस्त हैं तो विवाह नहीं होगा। यदि लग्नेश और सप्तमेश दोनों अस्त हैं तो भी विवाह नहीं होगा। नमस्कार।